एक मिनट, आप लोगों को इनको देखने से पहले मुझे सुनना पड़ेगा, तो प्ले करें। यह है सुल्तान डाकू। लगातार 3 साल से डकैती में नाकाम होने के कारण इनका नाम पड़ गया है नाकाम डाकू। दरअसल इनका काम होता है दिन भर सोना और रात में डकैती करना। ये 3 साल से खजाने की खोज में है, जिसके लिए ये लगातार 3 साल से नाकाम हो रहे हैं। तो चलिए आपको आगे कहानी में ले चलते हैं। सुधार, कौन 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 कौन? आज हम लोग 3 साल से डाका डाल रहे हैं, फिर भी नाकाम हो जा रहे हैं। पर इस बार कैसे भी खजाना तक पहुंचना है, समझ में आया क्या? जी सरदार, बस हम ही तो सब करते हैं। तुम्हें तो बाद में देखूंगा, चलो। डर सासुरी के डरा डाला, गलती हो गई सरदार। क्या सरदार, बस मेरे पे ही शक करते हैं। चलो चलो। सरदार बोला तो जागी से। तोर गला नाटी को बेटा हम सुतल बनी आ तोर गान कटिन तो कहिया। तुमको क्या लगता है सरदार बनने के लायक है कौन हो? हाँ, मेरे को तो सकल से चुतिया लगता है। बोल तो टपका दो, तू ही सरदार बन जा। अरे अरे अत्री नहीं आ सकता क्या? अरे क्या करूं, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। हम लोग 3 साल से नाकाम हो रहे हैं, पता है कुछ तुम्हें? पता है। तुम लोग की वजह से हमारा काम हो रहे हैं, तुम लोग की वजह से। क्या सरदार, जब भी जाओ बूढ़ा जगह रहता है और बुढ़िया खाली 3 साल से गाय करने की बात करती है। क्या सरदार, बस मेरे पे ही शक करते हैं। क्या सरदार, बस हम ही तो शक करते हैं। अभी कुंडली भी दोष है, कभी आप डाकू नहीं बन सकते। क्या? हाँ सरदार, ये सच बोला है, आपकी कुंडली में ही दोष है। क्यों ना किसी बाबा भी चल के दिखाते हैं। ये कहाँ मिलेगा बाबा, चलो उसे। आप महान हो महाराज, आप तो ज्ञानी है, आप अंतर्यामी है। मेरे बारे में आप जो जो बताए हैं सब सही है, एकदम सही है महाराज। अलक निरंजन, अलक निरंजन।
बाबा भोस्टी को सब पता है बच्चा, बाबा को सब खबर है, बाबा अंतर्यामी है बच्चा। आपको दक्षिणा में क्या दी महाराज? ना ना बच्चा, हम सन्यासी हैं, हमें धन दौलत का कोई लोभ नहीं, हमें कुछ और दो बच्चा। कुछ और क्या बाबा? कुछ और दो बच्चा। कुछ और क्या बाबा? बात को समझो बच्चा, बाबा बोलते नहीं, बाबा इशारा करते हैं। ओहो समझ गया, बाबा को मदिरा चाहिए। ये लो महाराज, और समस्या का समाधान बताओ। क्या हुआ महाराज? एक पैक से तुम्हारा समस्या का समाधान नहीं होगा बच्चा, तुम्हारा समस्या बहुत ही बड़ा है और दारू का पैक इतना छोटा नहीं होगा। ये लो पूरा बोतल बाबा, और समस्या का समाधान बताओ। अब अपनी समस्या को ध्यान से सुनो बच्चा, जो बूढ़ा है वो रात में आँख खोल के सोता है, और जो बूढ़ी है उसे नींद में बोलने की आदत है बच्चा। जी बाबा। बाबा कैसे हो? अरे ताली चल गई, कभी टाइम से चली नहीं, बाबू तो गए। बाबा बूढ़ा 3 साल से चुतिया बना रहा है। आज तो खजाना लेकर जाएंगे। सरदार खजाना ढूंढो, खजाना। আমার নাতি কবিটা তারা কালা দাম সুতল বানিয়ে তার গান না কাটেন তা কহিয়া। গান না কাটেন তা কহিয়া, 3 সাল থেকে বল বল কে চুতিয়া বানা রহে আমার তো। भगवान मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सारा खजाना लूट गया, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। हाँ सब ऊपर वाला देख रहा है, और खटिया के नीचे चौकी के नीचे वहां से दिखाई दे।
घेरिया बुढ़ा हुई नान की नातिन की बेटन के मार के तंगड़ी टोल धर धर धरिया बुढ़ा हु अनारा ये ही जब धर धर अम्मा अम्मा कुछ दे दे अम्मा, भूखे पीछे साधु कुछ दे दे अम्मा अम्मा। जा बाबू ले लो घर में से, हमारा टाइम में बड़ा दौलत बा। अरे मतवा खजनवा है कि लूट गया? मतलब इतनी बड़ी झोपड़ी में अकेले रहती हो, डर नहीं लगता है? और का? अरे मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं सरदार, वो पीछा ले रहे होंगे। माता जी एक बात पूछे। अरे कुछ नहीं माता जी, आप झाड़िए ना। कबाब ले ले लो। कहानी तो पूरा भर ले लो। भिक्षा भिक्षे ना ले लिया जाला। लाई भाग जा, पहले तो पूरा भर ले लो। क्या हुआ सरदार? क्या हुआ? क्या हुआ सरदार? क्या सरदार, बस मेरे पे ही शक करते हैं। चल और इस बार भी अच्छाई के आगे बुराई की एक न चली और सुल्तान डाकू नाकाम डाकू ही रह गया।